बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको करके। और आज हमारे साथ आए हुए हैं मधुमक्खी शहद बना रही हैं, और जो आपको ये छेद वगैरह दिख रहे हैं इसके अंदर अंदर से रखे हुए हैं। रखी दमे हो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मिस्टर सुरेंद्र खन्ना और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। सो पीछे देख सकते हो गांव, और अभी फिर से चल पड़ा हूँ कहीं पे। तो आप सोच रहे होंगे गांव में कभी इसका ब्लॉग बनता नहीं, बस जब भी जाता है गांव से भागते हुए दिखाता है। सो क्या कर सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं कहीं दूर, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर आगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ साथी हमारे, अभी चलते हैं हम धीरे धीरे। अभी कुछ साथी जो हमारे साथ हैं वो आगे निकल चुके हैं, बट मैं तो पीछे रह गया, और अभी काफ़ी थक लगने वाली है यहाँ से। तो यहाँ पे हुई है सड़क ख़राब हमारी, देख सकते हो नीचे से सारा कुछ बह गया और ऊपर से सारा ढह गया। अभी हमें मिल चुके हैं अपने डियर चाचू जी, सो थैंक्स फॉर वेटिंग मी। अभी पहुंच चुके हैं उस ब्यूटीफुल लोकेशन पे जहां से पिछले दिनों में भी हम आए थे। स्पेशली हम जहां जा रहे हैं हम उसी साइड जा रहे हैं, मैथ गुरु खेम सर के यहां जा रहे हैं। उनके गांव से थोड़ा सा आगे जाना है हमें। देख सकते हो ये नज़ारे, ये फिजाएं। अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये है अपर सलोनी का एरिया, और देख सकते हो पिछले 5-6 दिन पहले भी हम आए हुए थे यहाँ पे, था नवाला खेम सर के यहाँ पे। सो ये रहे अपने मैथ गुरु खेम सर। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। कब आए आप? 2 दिन हो गए मुझे आए हुए। 2 दिन, ठीक है। और ये रहे खेम सर के पापा जी। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं। आसपास के नज़ारे देख सकते हो, जो सामने आपको गांव दिख रहा है ये है हमारे एरिया का सबसे हाइट पर बना हुआ गांव, और इस गांव का नाम है बिल्ला। यहाँ पे गर्मियों के टाइम भी ऐसा लगता है कि जैसे दिसंबर का महीना चला, जब थोड़ी बहुत बारिश आती है यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा माहौल हो जाता है यहाँ पे। यहाँ से दिखाते हैं आपको कम्प्लीट व्यू, देख सकते हो सामने एक घना जंगल और ऊपर गांव। अभी हम गए थे सामने वाले गांव में, और इसके आगे कोई गांव देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इस साइड परली साइड जाओगे तो यहां से आगे दिखेंगे गांव, बाकी यहां से आगे तो आपको J&K दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि सामने वाला गांव लास्ट विलेज है चंबा का। और नीचे खेतों में देख सकते हो आप, बीते दिनों यहाँ पे काफ़ी ओले गिरे और जिस वजह से गेहूं का बुरा हाल हो चुका है। और कितना नुकसान हो गया सर आपका? बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पकेगी तब तक सड़ भी जाएगी। हाँ, सो इस एरिया का एनवायरनमेंट थोड़ा कूल है, और यहाँ पे जैसे गेहूं हमारे यहाँ जल्दी पक जाती है, तो यहाँ पे गेहूं बरसात के टाइम तैयार हो जाती है जुलाई में। ओके, कुछ ऐसा था व्यू मैथ्स गुरु के घर का और आसपास के नज़ारे। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे फिर से, एंड सामने देख सकते हो ये आपको दिख रहा है मधुमक्खी शहद बना रही हैं, और जो आपको ये छेद वगैरह दिख रहे हैं इसके अंदर अंदर से रखे हुए हैं, इसके हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में गन्हाड़, और आप क्या बोलते हैं सर? गन्हाड़ी बोलते हैं, जिसमें मधुमक्खी के शहद के छत्ते जो हैं उसमें होंगे। फिर एक कुछ टाइम के बाद इसको निकाल लेंगे। बाकी देख सकते हो आप सबसे बिजीएस्ट लाइफ जो है इन मधुमक्खियों की होती है। सो गाइस, अभी यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, और वहाँ से तो हम आगे फिलहाल थी तो हमने जाने, हमारे पास गाड़ी थी, गाड़ी करी हुई थी, कैब बुक करी थी मान के चल सकते हो आप। और अभी हम जा रहे हैं घर वापस से, और देख सकते हो ऐसे हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर में, बिकॉज़ घर में भी काफ़ी ज़्यादा काम है, और संडे का दिन होता है तो तभी होते हैं सभी, तो क्या मम्मी जी होते हैं सिर्फ, और बहन भी आई हुई है। तो अभी चलते हैं फिर से,
काम करते हैं और फिर चंबा जाएंगे, तो चंबा भी जाना है अब, तो चलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप, ये यहाँ से आए थे हम और यहाँ पे पहुंच के फ़िलहाल तो घर गया था, लेकिन अब फिर से ये काम आज फिनिश करना है हमने। ये थोड़ा सा बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको करके। और आज हमारे साथ आए हुए हैं आरती। आरती क्या हाल चाल है? ठीक, बढ़िया। और आरती देख सकते हो बहुत दिनों के बाद आई है घर, तो क्या सच रहा आपका फिर पेपर का हिसाब किताब? अच्छे रहे, ठीक रहा। ठीक थे? हाँ जी। हम सारा कुछ काम और उसके बाद फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नई जगह जाएंगे हम, वहाँ घर के पास ही। सो भी मिलते हैं आपको थोड़ी। सो गाइस काम कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, अब पूरा खेत बड़ी मुश्किल से हो गया। अब इसको करीबन एक महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद फिर से इसको दोबारा से गुड़ाई होगी इसकी। गाइस यहाँ पे भी दो खेत हमने कर दिए एंड दो बच्चे हमारे पास, आधा जैसा इस पेड़ के पीछे तक कर दिया, तीसरा भी हमने, ये पेड़ नाशपाती का है। अब यहाँ पे इस पे इस साल नाशपाती नहीं लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारे छल्लू एंड छिल्ली चल रहे हैं, एंड यहाँ से गांव का व्यू। Guys, good morning. आ चुके हैं चंबा में और अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है रूम की वो दिखा रहा हूँ आपको अभी। एंड अपने मामू जी आ चुके हैं सुबह, तो गुड मॉर्निंग मामू जी। गुड मॉर्निंग। आज क्या रहने वाला है आज? वैसे मैं तो मेरी तो डेली की रूटीन है, सुबह बैडमिंटन खेलेंगे, बाकी आपने थोड़ा बाइक सीखनी है। हाँ तो बाइक सिखा देंगे थोड़ा। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी बाइक भी सीख ली जाए, बिकॉज आजकल तो ज़रूरी है बाइक और कार चलाना, तो आज करते हैं ट्राई, देखते हैं कि कैसा रहता है, दिखाते हैं आपको भी। तो गाइज अभी देख लिया आपने, थोड़ी बहुत कर ली हमने प्रैक्टिस, बाकी कल परसों जो करते रहेंगे। अभी चलते हैं नीचे। तो अभी हम उतर चुके हैं एंड यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारे देख सकते हो, ब्रिज, रावी नदी बह रही है यहाँ से, और
अभी हमारे मामू जी आएंगे, यहाँ से हम इनकी वीडियो बनाएंगे एक आपको दिखाएंगे। रखी दमे हो अबे यार तो अबे ये बोलना ये बेटी ये रात बजे बाल में रखी नवे हो